Drugs. Allahu Akbar. 8.9 million people in Pakistan are drug addicts. ये thenews.com.pk ओके उसकी सोर्स है. मैं खुद रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाता हूँ. आई टॉक टू दोज अनफॉर्चुनेट ड्रग एडिक्ट जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, और रोना आता है उनकी हालत देख के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में कि वो किस तरह ड्रग्स में लगे हैं. उनको मासूमों को पता भी नहीं था, बस वो कूल बनने के लिए. लाहौर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, यहाँ का मुझे नहीं पता. ये सिर्फ सारे स्कूल सीधे कैसे होंगे, पेरेंट्स को प्रेशर डालना होगा एडमिन पे कि बच्चे तबाह हो रहे हैं, खुदा के लिए बच्चों को ग्रूमिंग करें. सिर्फ बच्चों को साइंस ना पढ़ाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री ए स्टार्स हम सेकंड प्रेफरेंस हैं. ए और ए स्टार हमारी पहली प्रेफरेंस है कि हमारे बच्चे इस फितनों से बच जाएं. लेकिन पढ़े हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, एट क्लास का बच्चा ड्रग्स ले रहा है. आई नो अ गाय, हिज नेम वाज कासिम, बेचारे की डेथ हो गई. उसकी वालदा जा जा के लोगों के हाथ जोड़ती हैं कि अपने बच्चों को बचा लो. अब वो बहुत बड़ी स्पीकर है माशाल्लाह, 4 महीने हुए हैं उसकी डेथ को. एनीवे, ड्रग्स 8.9, एंड रिमेंबर दिस, खुदा की कसम जितने ड्रग एडिक्ट्स वहाँ पे बैठे थे उन सब की ये स्टोरी थी, वी स्टार्टेड विद वन सिगरेट. बस हम कहते हैं नहीं नहीं कोई नहीं, एक कश लगा ले कुछ नहीं होता. ऑल ऑफ देम स्टार्टेड विद वन सिगरेट, दैट्स इट. ओके, सिगरेट खैर ड्रग्स नहीं है लेकिन खतरनाक है, बहुत खतरनाक है. बट उनकी स्टोरी यही है कि हम शुरू ऐसे हुए थे, हमें वो जो इलेक्ट्रॉनिक ई सिगरेट बड़ा मज़े का था, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ओके, जो कि हेल्थ के लिए बहुत डैमेजिंग है. साइंस इस पे पूरे आर्टिकल्स हैं. गेमिंग के हमारे साथ क्या हो रहा है इस वक्त. ओके, 9000 गेम्स रिलीज एवरी ईयर. स्टडीज हैव शोन दैट एवरेज टाइम स्पेंट is 13 hours per week by a youth playing games. 80% is explicit content rated PG-13 game, okay? And you know better than me, this evil game created by criminals, GTA 5 ke jo founders, creators hain, criminals hain, unke criminal record hain, okay? Jail kati hai unhone, and they created this game. This is the most sold game. GameSpot pe 9.5 iski rating hai. It has profanity, nudity, what ऐसे ऐसे गंदे टास्क हमारे यूथ को दिए जाते हैं. इस तरह की गेम से क्रिमिनल्स बनते हैं, इस तरह की गेम से जोम्बी बनते हैं, जो दूर शादियां कैसे निभाएंगे वो लोग, मुझे नहीं समझ आती. शादी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, शादी के लिए सेंसिटिव होना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है. वो लोग जो गोलियां मार रहे हैं दूसरों को गेमों में और रिवॉर्ड ले रहे हैं, गोली मारने का रिवॉर्ड है ना, जाते जाते किसी को शूट कर दो रिवॉर्ड मिलेगा, यू विल बी अ थग. आप मुझे बताएं कि गंदे खाने का स्टमक पे इफेक्ट होता है, ये मैं यूथ से बात कर रहा हूँ अभी. गंदे पानी से कह आती है, गंदे पानी से टाइफाइड होता है, तो क्या गंदी एंटरटेनमेंट का कोई आप पे इफेक्ट नहीं है? खुद जवाब देना, थोड़ा सोचें. कोई इफेक्ट नहीं होता गंदी एंटरटेनमेंट का, देख ही जाओ, खेल ही जाओ, कुछ भी नहीं होगा. 3-3 घंटे खेलो, 4-4 घंटे खेलो, ना कोई माइंड पे इफेक्ट है, ना कोई सोल पे इफेक्ट है, ऐसा नहीं है. रिसर्चेज हैव बीन कंडक्टेड, अमेरिका में जितने क्रिमिनल्स हैं वो सारे गेमर्स होते हैं. अच्छी गेमें भी मौजूद हैं, ओके. अब ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप लोगों की, जाहिर है छुड़वा तो सकते नहीं, अच्छी गेम्स भी मौजूद हैं जो ज़रा प्रोडक्टिव हैं. और जो आप इस यूथ से मायूस ना हो, मैं सारी मदर्स को बता रहा हूँ, यही गेम खेलने वाले बच्चे अगर इनकी डायरेक्शन सही हो जाए तो ये तहलका मचा सकते. मेरा एक स्टूडेंट है ए लेवल का, कमाल का गेमर है, ओके, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, CS, मोहा, चैम्पियन है, चैम्पियन. उसको मैंने वैसे एक टास्क दे दिया कि इस पर रिसर्च करो, कुरान का एक टॉपिक था. उस बच्चे ने वो अखज़ करके मुझे दिखाया कि मैंने कहा यार मैं नहीं, तू लेक्चर देगा. ये इतने जहीन होते हैं ना, क्योंकि जाहिर है गेम्स खेल खेल के जहानत आती है, ये बात आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. ये स्टडी कंडक्ट हुई है कि गेमर्स की जहानत होती है, लेकिन वो ईवल जीनियस बन जाते हैं, ओके. लेकिन अगर इसी यूथ की डायरेक्शन आपने सीधी कर दी तो ये कमाल के बला के रिसर्चर्स बनेंगे. सिर्फ डायरेक्शन सीधी करने वाला कोई होना चाहिए जो इनको टास्क दे, ओके. सो दिस ईवल गेम आई जस्ट मेंशन टू यू, एंड दिस गेम रेजिडेंट ईवल 4 विच आई यूज टू प्ले वेरी ऑफन, ये मस्जिद नबवी का गेट है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था. उसके बाद मैंने गेम खेलना छोड़ दी. मस्जिद नबवी का गेट है, इसके पीछे विलन होता है, ठीक है, ओके. दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द गेम, एंड दिस इज डेविल मे क्राई, और ये खाना काबा का गेट है,
ओके, गेमों से स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके पीछे वो कहता है देर इज अ फाउंडेशन डेट ब्रॉट आउट फियर। इस गेट के पीछे डायलॉग मारता है कि इसके पीछे एक फाउंडेशन है जो खौफ लेकर आई है दुनिया में, यानी खाना काबा और मुसलमानों की तरफ इशारा, परफेक्ट इस्लामोफोबिक एजेंडा। ओके, एंड देन ऑब्वियसली देर इज अनदर पिक्चर विच आई वॉन्टेड टू शो यू, जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी का एक सीन है। ओके, दिस इज अ गेम बाय द नेम डार्क मसाया। लुक एट दिस, परफेक्टली दज्जाल, एक आंख ममसू है, फॉल्टी है, दूसरी आंख से देख सकता है। ओके, एंड पीछे कौन खड़ा हुआ है? सेटन, इब्लीस। तो ये आम गेमें नहीं हैं, ये परफेक्ट एजेंडा है आप सबको बताने के लिए कि तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ, आ रहा है हमारा मसीहा और तुम लोग ना चाहते हुए भी उसे सजदा करोगे। ओके, क्योंकि तुम लोग डिपेंडेंट हो चुके हो, तुम्हारी औकात कोई नहीं है, तुम लोग ना चाहते हुए भी उसे सजदा करोगे क्योंकि हमने तुम्हें टोटली जकड़ा हुआ है। ये उनका मैसेज है मूवीज से और गेमों से। ओके, देन 911 की बड़ी अहमियत है, कबाला, मैजिक मैन, ऑल दीज थिंग्स, कॉशन, 911, टर्मिनेटर मूवीज में ज़्यादातर टाइम 911, छोटी सुई 9 पे, बड़ी सुई 11 पे, ये बूथ है 911, 911, 9 और 11 कबाला मैजिक के दो खास नंबर्स हैं। 10 इज़ द नंबर ऑफ गॉड, वो 10 को स्किप करके डायरेक्ट 11 की तरफ जाते हैं क्योंकि गॉड्स हेटेड शो करते हैं। 911 की बड़ी अहमियत है, इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एग्जैक्ट 911 को प्लान हुआ था। ओके,